गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। क्लास सेकंड में अपन ने फर्स्ट लेसन हो गया था, सेकंड लेसन भी हो गया था, और आज अपना है लेसन थर्ड। काले काले बादल क्या है? लेसन का नाम क्या है? काले काले बादल। क्या है? काले काले बादल। ये क्या है कि एक लेसन है काले काले बादल कि एक बार क्या कक्षा में सभी बच्चे गर्मी से बहुत परेशान हो रहे थे। अब जैसे अपन देखते हैं गर्मियों का मौसम आता है तो गर्मी खूब पड़ती है, तो स्कूल लगी हुई थी, क्लास में बच्चे बैठे थे, तो क्या हुआ कि कक्षा में बहुत सारी गर्मी होने लग गई, अचानक लाइट चली गई होगी। तो वह क्या हुआ कि एक बार कक्षा में सभी बच्चे गर्मी से बहुत परेशान थे, कोई पसीना पहुंच रहा था, तो कोई किताब से कॉपी से हवा कर रहा था। अपन जैसे आ जाते हैं तो अपन हिलाते हैं ना, कोई कॉपी से हवा डालता है तो कोई कैसे डालता है। तो इसी प्रकार क्या है कि एक बार क्या है कि गर्मी का मौसम तो था ही, गर्मी के मौसम में क्लासें लग रही थी, तो गर्मी से परेशान थे बच्चे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, कक्षा में बैठे थे बच्चे, तो कोई हवा डाल रहा था, कोई कुछ डाल रहा था। अचानक ये क्या हुआ, गर्मी बहुत पड़ रही थी लेकिन अचानक मौसम बदल गया। मौसम क्या हुआ? एकदम बदल गया और बहुत ही सुहावना हो गया। और बहुत अपन देखते हैं ना, बहुत गर्मी पड़ती है, अचानक मौसम बदल जाता है, बादल आ जाते हैं, वर्षा होती है, मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। तो वही उन बच्चों के साथ हुआ, अभी तो 10 मिनट पहले गर्मी पड़ रही थी और अचानक क्या हुआ, 10 मिनट बाद में मौसम एकदम सुहावना हो गया, एकदम ही बदल गया मौसम तो, और सुहावना हो गया। काले काले बादल आकाश में मंडराने लगे, मोर भी पंख फैलाकर, अब जैसे काले काले बादल आकाश में मंडराने लगे, मौसम सुहावना हुआ, मोरू ने क्या करा, अपना पंख फैलाना शुरू कर दिया, मोर पंख फैलाकर नाचने लगे। जैसे मौसम का स्वागत कर रहे हो, मौसम का स्वागत कर रहे हो, बदलते मौसम के कारण कक्षा में शोर होने लगा, और बदलते मौसम के कारण क्या हुआ, कक्षा में शोर हो गया। अपन देखते बाहर बच्चे झाड़ने लगे, देखो काले काले बादल हो गए, बारिश आ रही आने वाली है, वो नाच रहे, मौसम सुहावना हो गया, तो कक्षा में क्या हो जाता है, शोर हो गया। सभी बच्चे अध्यापिका का इंतजार कर रहे थे, और सभी बच्चे क्या कर रहे थे, मैडम का इंतजार कर रहे थे। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था कि बादल कैसे बनते हैं, अभी तक एकदम बादल दिख ही नहीं रहे थे, अचानक बादल कैसे बनते हैं। तो बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहे थे क्या ये बादल कैसे बनते हैं, और वो अपनी मैडम से पूछना चाह रहे थे, इंतजार कर रहे थे मैडम का कि मैडम कब आए और हम इन क्वेश्चन को पूछें। अध्यापिका के आते ही बच्चों अपने दिमाग में उठने वाले प्रश्नों को पूछने लगे। जैसे क्लास में अध्यापिका आई बैठी और बच्चों ने अपने दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे थे वो पूछने लग गए मैम से। सबसे पहले सुनील ने कहा कि मैम ये बादल कैसे बनते हैं। सबसे पहले सुनील खड़ा हुआ और क्लास में और पूछा मैम से, मैम ये बादल कैसे बनते हैं। अध्यापिका बोली, ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें बादलों के बारे में बताऊंगी। इतना ही क्वेश्चन सुनते ही मैम ने क्या बोला, ठीक है बच्चों, आज मैं आपको बादलों के बारे में ही बताऊंगी कि बादल कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं। तो अध्यापिका ने शिला से कहा, बाद में क्या हुआ उनके टॉपिक को समझाने के लिए क्या करा उन्होंने, ये बच्ची को खड़ा करा जिसका नाम शिला था कि शिला बेटे खड़े हो और थोड़ा सा पानी अपनी बोतल से ज़मीन पर गिरा दो। शिला ने क्या करा, अपनी बोतल से पानी ज़मीन पर गिराया। सब ने देखा कि कुछ ही क्षणों में पंखे की हवा से पानी सूख गया। अपने बोतल से फरस के पानी गिराया तो सभी बच्चे देखने लगे कि कुछ ही क्षणों में पंखे की हवा से वो पानी क्या सूख जाता, सूख गया बिल्कुल। अब अध्यापिका ने बिजली से चलने वाली केतली लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाला और केतली को गर्म करने के लिए तार लगा दिया। पहले तो बच्चे क्या करा, शिला ने क्या करा, पानी किस पे डाला, बोतल से ज़मीन पे डाला, तो वो किसके कारण सूख गया, पंखे के कारण। उसके बाद मैडम ने क्या करा कि बिजली वाली जो केतली आती है उसमें पानी रखा और तार लगा दिया। बच्चों ने देखा पानी क्या कर रहा है, भाप बनकर उड़ रहा है। अब बच्चों को समझ में आ गया कि बादल कैसे बनते हैं। सुनील ने कहा, मैं सबको बादलों के बारे में बता सकता हूँ। मैम है जो अध्यापिका है उसके कहने पर अध्यापिका के कहने पर
सुनील ने सबको बताया कि कैसे सूरज की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र या झील से पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में चला जाता है। वहाँ भाप बूंदे बनकर आपस में जुड़ जाती और बड़े बड़े काले बादल बनाती है। इतने में जोर से गड़गड़ाहट हुई और बारिश होने लगी। सभी बच्चे क्या हुए, खुशी से झूम उठे। वे कागज की नाव बनाने में लग गए। आधी छुट्टी का समय था। बच्चों ने बारिश में जमकर मजा लिया और पानी में कागज की नाव चलाई। इस प्रकार ये अपना लेसन था कि उन्होंने क्या ये कहा है काले बादल के बारे में बताया कि भाई बादल कैसे बनते हैं, कि भाप से बादल बनते हैं, कि पानी होता है समुद्र, काले नदियां होती है, पानी समुद्र में गिरता है, सूर्य की किरणें गिरती है, सूर्य की किरणें से क्या होता है भाप बन गया, पानी ऊपर की ओर उठ जा चला जाता है और वहाँ जाकर क्या होता है बूंदे बन जाती है और बूंदे आपस में मिलकर एक बादल का रूप ले लेती है और वो वर्षा करती है। इस प्रकार मैम ने किस बच्चों को बताया कि बादल कैसे बनते हैं और ये अपना लेसन भी बादलों के बारे में ही था। आया समझ में? इसके क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।